मायसेल्फ नीरज पटेल। इस वीडियो लेक्चर में हम आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना सीखेंगे। तो यहाँ पर हमें एक ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दिया गया है। तो ऑब्जेक्ट के फ्रंट व्यू से हमें ऑब्जेक्ट की लेंथ और हाइट का डायमेंशन मिलता है और टॉप व्यू से हमें ऑब्जेक्ट की लेंथ और विड्थ का डायमेंशन मिलता है। तो ऑब्जेक्ट के फ्रंट व्यू और टॉप व्यू से हमें ऑब्जेक्ट की लेंथ, हाइट और विड्थ तीनों डायमेंशन मिल जाते हैं, इसलिए हम इस ऑब्जेक्ट का 3D कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट का आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के लिए हमें याद रखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट की लेंथ और विड्थ का जो डायमेंशन रहता है वो आइसोमेट्रिक व्यू में 30 डिग्री के एंगल पर ड्रॉ किया जाता है और जो हाइट का डायमेंशन रहता है वो आइसोमेट्रिक व्यू में 90 डिग्री के एंगल पर ड्रॉ किया जाता है। सो लेंथ एंड विड्थ ये जो है वो 30 डिग्री के एंगल पर ड्रॉ की जाती है और ऑब्जेक्ट की जो हाइट का डायमेंशन है वो 90 डिग्री के एंगल पर ड्रॉ किया जाता है। तो इस कंसेप्ट को याद रख के हम इस ऑब्जेक्ट का 3D कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो फ्रंट व्यू हमें दिया गया है इस फ्रंट व्यू को हम 30 डिग्री के एंगल पर ट्रांसफर करेंगे और ऑब्जेक्ट की शुरुआत हम इस पॉइंट से करेंगे। तो यहाँ से ये जो लाइन है वो लेंथ का डायमेंशन है और ये जो लेंथ है वो हमें 5 मिलीमीटर दी गई है। तो लेंथ हम 30 डिग्री के एंगल पर ड्रॉ करेंगे। तो ये लेंथ है 5 मिलीमीटर। अब यहाँ से ये जो हाइट है उसका डायमेंशन भी 5 मिलीमीटर है। तो हाइट है वो 90 डिग्री के एंगल पर ड्रॉ की जाती है और यहाँ से ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो लेंथ का डायमेंशन है। तो ये जो लेंथ है उसका डायमेंशन बनेगा 30 + 12 + 12 यानी टोटल रहेगा 54 मिलीमीटर। उसमें से दोनों साइड से 5-5 मिलीमीटर का जो लेंथ है उसका डायमेंशन हम अगर सब्ट्रैक्ट करें तो ये जो बॉटम की लेंथ बनेगी वो होगी 44 मिलीमीटर। तो लेंथ का डायमेंशन अगेन हम 30 डिग्री के एंगल पर ड्रॉ करेंगे। यहाँ से अगेन हाइट है जिसका डायमेंशन है 5 मिलीमीटर। तो हाइट हम 90 डिग्री के एंगल पर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद अगेन ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो है लेंथ जिसकी लंबाई है 5 मिलीमीटर। तो लेंथ का डायमेंशन हम 30 डिग्री के एंगल पर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से ये जो वर्टिकल लाइन है उसकी हाइट रहेगी 40 - 5 यानी 35 मिलीमीटर। तो हाइट का डायमेंशन हम 90 डिग्री पर ड्रॉ करेंगे और यहाँ से ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो है लेंथ जिसकी लंबाई है 12 मिलीमीटर। तो वो हम 30 डिग्री के एंगल पर ड्रॉ करेंगे। ऐसा ही व्यू हम लेफ्ट साइड से ड्रॉ करेंगे। तो इस पॉइंट से ये जो वर्टिकल हाइट बनेगी वो होगी 35 मिलीमीटर और यहाँ से ये जो लेंथ है वो है 12 मिलीमीटर। अभी यहाँ से एंगल पर लाइन हमें दी गई है जिसका एंगल हमें दिया गया नहीं है तो ये लाइन हम डायरेक्टली ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये 12 मिलीमीटर की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इस पूरी 54 मिलीमीटर के सेंटर से पास हो रही है और ऊपर से ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो 20 मिलीमीटर नीचे से शुरू हो रही है। तो अब हम इस 54 मिलीमीटर लेंथ के सेंटर से 20 मिलीमीटर नीचे एक पॉइंट मार्क करेंगे। तो ये जो पॉइंट है वो इस 54 मिलीमीटर लेंथ का सेंटर है और इस सेंटर से ये जो हाइट हमें दी गई है वो 20 मिलीमीटर है। तो यहाँ से हम नीचे की दिशा में 20 मिलीमीटर हाइट पर एक पॉइंट मार्क करेंगे और इस पॉइंट से जो लेंथ है वो 12 मिलीमीटर दी गई है। तो इस पॉइंट से हम 6 मिलीमीटर राइट साइड और 6 मिलीमीटर लेफ्ट साइड 12 मिलीमीटर की 30 डिग्री के एंगल पर लाइन ड्रॉ करेंगे।
अभी इस पॉइंट से ये जो वर्टिकल लाइन है वो हाइट है जिसका डायमेंशन है 8 मिलीमीटर, तो वो हम 90 डिग्री के एंगल पर ड्रॉ करेंगे। और इस पॉइंट से हम ये जो ऊपर की जो दो लाइन है उस लाइन को इस इंक्लाइन लाइन से जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रंट व्यू को हमने 30 डिग्री के एंगल पर ड्रॉ कर लिया। अभी जो विड्थ का डायमेंशन है वो भी 30 डिग्री के एंगल पर ही ड्रॉ किया जाता है, लेकिन हमने लेंथ को राइट साइड 30 डिग्री एंगल पर ड्रॉ किया है, तो विड्थ के डायमेंशन को हम लेफ्ट साइड 30 डिग्री के एंगल पर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर जो विड्थ है वो 60 मिलीमीटर हमें दी गई है। तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट में जितने भी ओपन एंड है उस वो सभी ओपन एंड में से हम लेफ्ट साइड की दिशा में 60 मिलीमीटर लेंथ की 30 डिग्री की लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी यहाँ पर जितने भी ओपन एंड है उस ओपन एंड को हम एक दूसरे के साथ जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का 3D कंस्ट्रक्ट हो गया, यानी इस ऑब्जेक्ट का आइसोमेट्रिक व्यू यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम इस ऑब्जेक्ट में डायमेंशन देंगे। तो इसी के साथ ही आइसोमेट्रिक व्यू का ये प्रॉब्लम यहाँ कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।